के ढेर को भी बनाया सुंदर देवभूमि का स्वर्ग। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह और सीईओ ममता पाठक द्वारा कुंभ मेले पर चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करते हुए कहा कि डाम कोटी हरिद्वार के निकट वह स्थान है, यहाँ पर कभी कूड़े के ढेर लगी जगह थी जिसको भी बनाया गया सुंदर सजीला पार्क। देवभूमि हरिद्वार में कुंभ 2021 को भव्य और सुंदर व स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कंपनी की सीईओ ममता पाठक के सहयोग से हरिद्वार में जगह जगह सौंदर्यीकरण कराया। हरिद्वार के डाम की कोठी के पास एक ऐसी जगह थी जहां पर कूड़े करकट के ढेर लगे थे, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हुआ करते थी, लेकिन अपर मेला अधिकारी के द्वारा यहां पर सौंदर्यीकरण कर एक पार्क बनवाया जिसको देखकर राहगीर भी 2 मिनट रुक कर देखते हैं। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा की रिपोर्ट। प्लानिंग से हम लोगों ने इसको किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है और एक ट्रैफिक जाता है उसको हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका फ्लो बनाया है, जिस चीज़ में अगर नॉर्मल तरीके से की जाती तो शायद हमें 2-3 महीने लग जाते, लेकिन सर का विजन था वो जो कंपनीज है उसको लेके आए। ये कल हम लोगों ने सिर्फ आधे घंटे में ये लेन को ले किया है। अब यहाँ पे एक हम लोग यूनिप्रस लेन बना रहे हैं। यूनिप्रस वो ट्री है जो रेन को अट्रैक्ट करता है, और ये जो हम हरिद्वार में आज काम कर रहे हैं, हम उस सब पे काम कर रहे हैं कि इस जहाँ की हीट कम हो या एसी ना चले, और आने वाले साल में जो यहाँ होगा लोग याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लोग कूड़ा डाल देते हैं, यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, तो इस लेन को देखेंगे, इस पौधे को देखेंगे तो रिलेट करेंगे कि ये उत्तरांचल का सबसे अच्छा पौधा है। आप जानती हैं कि वर्ष 2021 में महाकुंभ होने जा रहा है, इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे महोदय चाहते हैं कि नया हरिद्वार दिखाई दे और हमारा कुंभ जो है सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित है। उसी क्रम में इसको सुंदर बनाया जा रहा है हरिद्वार को। आपके सामने ही यहाँ पे काफ़ी गंदगी पड़ी रहती थी, आपने देखा भी होगा, और आज जो है यहाँ लोग देख के इसको खुश हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, यही चाहती है हमारी सरकार।